मान और सम्मान के योग सारे मेरे शिष्य गांव के मेरे पिता समान मेरे बुजुर्ग मेरे नौजवान साथी मेरी मातृशक्ति प्यारे बच्चों, आज आपने अपने बेटे का अपने भाई का जिस हिसाब से स्वागत किया है उस बात के लिए मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूं। और जो ये विश्वास दिलाया छत्तीस बिरादरी ने कि शिष्य गांव से बहुत बढ़िया लीड आपको देंगे, तो मैं आपको भी ये विश्वास दिलाता हूं, आपका ये भाई आपका ये बेटा 24 घंटे आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहने का आपका आपको 12 बजे 1 बजे 2 बजे फोन करोगे तो उस टाइम पे भी फोन उठेगा। कई बार तो उस वादले खातर भी करते हैं कई भाई सरित लाले हैं, अरे भाई तू मिला तेरा वादो है और तू तेरा वादो है मिला पहले तुम मिला लो खारा उठे ना उठा वो तो तुम जानो अगर जब मेरा दौर में फोन मिलाऊंगा ना बलराम दौर है अगर जब 3 घंटे बाद जी तो मैं भी थार जी सर वो 3 घंटे में जीना हो जाएगा। क्यों? उस भाई ने विश्वास है अपने भाई पर अपने बेटे पर ये विश्वास है कि 3 घंटे नहीं बाद देगा उस तक पहला फोन हो जाएगा। डांगी साहब भी उससे टाइम फोन खा ले जिस टाइम फोन करो। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा ये किस लिए आपस का प्यार प्रेम भाईचारा राजनीति नहीं है, भाईचारे के हिसाब में ये फोन उठते हैं। राजनीति करने वाले तो रात 8 बजे फोन बंद करके और तड़के 8-9 बजे फोन खोल रहे, लेकिन आपके भाई आपके बेटे 24 घंटे आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, भाईचारे की राजनीति करते हैं, किसी प्रकार की कोई वो नहीं दूसरे तरह की बात कोई झूठ नहीं सिर्फ सच्ची बात। कोई भी बात है सीधे आगे मिलन की जरूरत है, किसी प्रकार की झिझक नहीं। सुनो मैं सारी बात बताऊंगा डट भाई सारी कोई नहीं सारी सारी बात ना भाई पाथे पूछ ली जो वाला विश्वास जताया है ना। 1 मिनट हमारे गांव में का ठीक है तो नहीं बोल रहा मैं आगे नहीं भाई नहीं नहीं बिल्कुल सारी बात उस भाई के मन में जो बात आई उसका बेटा मैं भरूंगा बेटा भाई का अच्छी बात है और भाईचारा में ये बात हो राजनीति में बात नहीं होती है। राजनीति में तो बोल के चला जाने नहीं झूठ क्यों भी बोल के चला जाओ उसमें लच्छेदार वाली सारी बात, लेकिन आपका भाई आपका बेटा कभी झूठ वाली बात नहीं करेगा। आपका सीधी सी बात है कोई भी काम आप लोग आओगे किसी भी प्रकार का चाहे भाईचारा चाहे सामाजिक चाहे वो सामूहिक चाहे वो कोई पर्सनल काम थाने तहसीला का किसी भी काम तो आप लोग जब वापिस आओगे अपने उस घर से बाहर निकलोगे ना तो नूतन ले जाओगे अगर बलराम दोहराए थे और बलराम ने हमारा काम करवाने खातर कलम तोड़ दी तो आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ आपका बेटा है आपका भाई हूँ विश्वास करो विश्वास से नहीं टूट दूंगा कहीं तो लगा विश्वास टूटना टूटा कोशिश करूंगा लेकिन मैं आप लोगों के बीच में खड़ा होकर मेरा परिवार है शीर्षक गांव है छत्तीस बिरादरी सभी को ये कहता हूँ विश्वास टूटन नहीं दूंगा बिल्कुल खड़ा उतरूंगा जो आप लोगों को मेरे से उम्मीद बलराम दांगी की थोड़ी सी राजनीति वाली बात इलेक्शन लड़ा है इसलिए राजनीति हो जाती है। 5 तारीख का इलेक्शन है अपने भविष्य तय करेंगे उस दिन हम कि हमारा भविष्य ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप लोग सारे कांग्रेस पार्टी के हाथ का बटन दबाकर आप लोग सारी वोट दे दोगे तो आप लोग देखोगे 8 तारीख को जो काउंटिंग होगी उसमें आप देखोगे आपका भाई आपका बेटा और आप सब 50,000 वोटों से जीतोगे। बनने जा रही है भाजपा की सरकार जा रही है कांग्रेस की सरकार आ रही है और फिर हम दोनों भाई मिलकर
भाई दीपेंद्र हुड्डा और आपका ये भाई, आपका ये बेटा, दोनों भाई मिलकर एक एक समस्या का हल कराएंगे। सबसे जरूरी बात, किसी की फसल पानी के बगैर सूखने नहीं दूंगा और किसी की फसल पानी से डूबने नहीं दूंगा। सबसे पहली बात यह है लंबा राजनीति कैरियर भी है और मैं तो भाईचारे को सब कुछ मानता हूँ। भाईचारा में भी कितने भूल चुक हो, कोई गलती हो रही हो तो सारा काम राम खड़ा है, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ सारे काम राम। और आगे आप लोग बता ही जाइयो, नाराज ना हो, नो बता दिया भाई, कई बार आदमी ने ना मेरा पता है अगर तेरे पर गलती होने लग रही है, सही काम होने लग रहा है तो बताने की जरूरत है, सुनने के लिए उससे टाइम पर सुधार करेंगे। एक मिनट तो मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ, 5 तारीख को एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के हाथ का बटन दबाकर अपने बेटे को आशीर्वाद दें और उसके बाद एक एक समस्या का हल, पीने के पानी की दिक्कत है, बच्चों के रोजगार की है और विकास के काम है, अनेकों प्रकार की समस्याएं आपके दोनों बेटे दीपेंद्र और बलराम या एक जोड़ी ओरा कर लड़कन लागी, इन दोनों की जोड़ी ओरा कर लड़कन लागी, कोई केवे भोके में भोका हुआ है तो लेकिन किसी की परवाह नहीं करनी। इतना बढ़िया इलेक्शन चल रहा है, सबसे हाथ जोड़कर हमने चल रहा है, विरोधियों की उन्हें पता चल लिया कुछ नहीं रह रहा, सारा सब कुछ हमारे इलाके ने, हमारे मैं हल्के ने अपने बेटे को अपना लिया, अपने बेटे बलराम को अपना लिया और उसके बाद हम दोनों भाई आप लोगों से वचन देते हैं, दोनों भाई आप लोग समस्या बताई गई हो और हम दोनों भाई मेरी को समस्या का हल करते रहो। और जो ये पगड़ी आप लोगों ने, ये पगड़ी एक कपड़े का टुकड़ा नहीं होते, ये पगड़ी आप लोगों का जो इज्जत मान सम्मान है, आप लोगों ने जो अपना इज्जत मान सम्मान अपने इस बेटे के भाई के सिर पर रखा है तो मैं आप लोगों को इस बात का वचन देता हूँ कि आपको इस भाई की तरफ से, बेटे की तरफ से ये पगड़ी हमेशा ऊंची ऊंची रहोगी, नीचे नहीं आओगी। और जब भी कोई भी बात है सीधे आकर मिलो, सीधी बात करा, किसी दूसरा तीसरा के ऊपर भी आप क्यों फोन करना, कोई बात है तो अपनी 2-4 दिन में 5-7 दिन में कितने पेट ले आपस में बोल ले। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ और हर भरी रात है, और ये कहता हूँ विश्वास करने लायक हो, आप लोग विश्वास करो अपने बलराम गांधी की। हमने अपने भविष्य के लिए सारी उस दिन एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के हक में डालकर कम से कम 85-90% पोलिंग करवा दो और सारे की जमानत जब आप मेरे पर ले, गारंटी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।